गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने चैप्टर फोर आवर स्कूल हमारा स्कूल इस चैप्टर के जितने भी बुक वर्क है कंप्लीट कर लिया है। आज हम लिखेंगे क्वेश्चन एंड आंसर। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर वन हमारा क्या है, हाउ यू कुड बी ए गुड स्टूडेंट, लिस्ट एनी फाइव वेज। आप कैसे एक गुड स्टूडेंट हो, यह क्या बताना है, उसके पांच पॉइंट आपको इसमें लिखने हैं कि हम कैसे बता सकते हैं कि हम क्या है, गुड स्टूडेंट है। तो वी कुड बी ए गुड स्टूडेंट इफ वी फॉलो देयर स्टेप्स। हम कैसे बताएंगे कि हम गुड स्टूडेंट है, यदि हम क्या करते हैं, ये फाइव स्टेप्स को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, तो हम क्या है, गुड स्टूडेंट है, वरना बैड स्टूडेंट है। फर्स्ट है ऑलवेज ओबे एंड रीड टू आवर टीचर्स। तो हमें हमेशा क्या करनी चाहिए, यदि हमारे क्लास में टीचर आते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए, उनकी बातों को मानना चाहिए और क्या करना चाहिए, उन्हें मिस करना चाहिए। यदि दोपहर है तो गुड आफ्टरनून, सुबह है गुड मॉर्निंग, शाम है तो गुड इवनिंग। सेकंड, डिस्प्ले गुड हैबिट्स एंड गुड मैनर्स। हमें हमेशा क्या दिखाना चाहिए, अच्छी गुड मींस अच्छा, हैबिट्स मींस आदत एंड गुड मैनर्स। हमारे अंदर कौन कौन से गुड मैनर्स हैं और गुड हैबिट्स हैं, तो हमें उसको क्या करना चाहिए, बताना चाहिए या दिखाना चाहिए। थर्ड है थ्रो द वेस्ट ओनली इन द डस्टबिन। हमें हमेशा किसी भी चीजों को जो हमारे यूज में नहीं है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, डस्टबिन का यूज करना चाहिए। हमें कहीं भी कुछ भी खाकर रैपर या कोई भी चीजों को कहीं भी नहीं फेंकना चाहिए, हमें क्या यूज करना चाहिए, डस्टबिन। फोर्थ हमारा डू द होम एंड क्लास वर्क प्रॉपरली। हमें जो भी होमवर्क मिलता है या जो भी क्लास वर्क है उसे क्या करना चाहिए, प्रॉपरली हमेशा करना चाहिए। फिफ्थ है हमारा नॉट टू राइट ऑन द वॉल्स ऑफ स्कूल बिल्डिंग। हमें कभी भी स्कूल की बिल्डिंग की दीवारों पर लिखना नहीं चाहिए। ये सभी जिसमें भी ये सभी क्वालिटी जिस भी स्टूडेंट में है तो वो क्या है, गुड स्टूडेंट। ओके, तो आप लोग इस क्वेश्चन नंबर वन लिख लेंगे क्वेश्चन आंसर और इसकी पिक्चर मुझे सेंड करेंगे, बाकी क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों को कल लिखवाऊंगी। ओके।